हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। पोलिंग का दिन था, 25 मई को ही प्रातःकाल उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण से देहांत हो गया। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोगों के जैसे प्रतिनिधि थे, सब लोगों को, परिवार के लोगों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे, इस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति उनको मिले। मित्रों, जैसा 25 मई चुनाव का दिन था, चुनाव समाप्ति के बाद सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक आंकलन करते हुए, और कल हम लोगों ने 27 तारीख को अपनी एक रिव्यू मीटिंग की, और उस रिव्यू मीटिंग के आधार पर मैं आप लोगों के सामने जो विषय रख रहा हूँ वही है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की विधानसभा सीट 11 की 11 कमल खिलाकर हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। अलग बात है कि मार्जिन वेरी करता है, अलग अलग जो कॉर्नर से रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ज़्यादा मार्जिन है, कहीं कम मार्जिन है, और न केवल पार्टी के लोगों की ओर से बल्कि इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोगों से भी हमने जो जानकारियां ली हैं उसमें शत प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है। चूँकि बहुत ऐसे विषय हैं जो चुनाव के दिनों में एक आरोप प्रत्यारोप के रूप में भी लगे हैं, मैंने तो हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस एक प्रकार से हार का जो मुख्य कारण उनका, उसके कारण से बौखलाई बातें उन्होंने की। देशभर की बातों में भी उनके नेताओं ने उसी प्रकार से कहा, और हरियाणा के बारे में भी इसी प्रकार की जो हरियाणा के नेताओं ने कहा है। देशभर में तो अभी तक 6 चरण हो चुके हैं, 7वां एक चरण बाकी बचा है 1 जून को, और इन 6 चरण में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 360 और 370 के आसपास पहुंचे हैं, यानी NDA मिलाकर, और 7वें चरण में मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से 400 को पार करेंगे। उसके बहुत बड़े सॉलिड रीज़न हैं, कारण हैं। बड़ा कारण तो ये है कि मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता चल रही है, इसको चुनाव कहें, लड़ाई कहें, युद्ध कहें, प्रतियोगिता कहें, कुछ भी कहें, जिसमें NDA की तरफ का हमारा एक निश्चित सारा सिस्टम देशभर की जनता को पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन हमारी टीम है, कितने हमारे दल हैं, कौन उसमें डोमिनेट कर रहा है। जहाँ दूसरे दल का जो प्रश्न है UPA का, तो UPA में यानी कोई अपना एक सर्वमान्य नेता वो चुन नहीं सके हैं, और उसका सीधा कारण ये है कि मत भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि वो दल कहीं कहीं मिलकर भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अगर वो हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं तो दिल्ली में आमने सामने लड़ रहे हैं। इस प्रकार से और अन्य प्रांतों में भी अन्य पार्टियों के भी ऐसे विषय हैं, कोई किसी प्रकार का सामंजस्य उनका दिखाई देता नहीं। नेता के नाते हर किसी के मन में लाल टपक रही है कि जैसे कल ही UPA जीत करके और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस प्रकार का विषय ये हम सबको ध्यान में है। और जहाँ तक इश्यूज़ का विषय है, हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो नेशनल इश्यूज़ पर ये चुनाव हमारा दायित्व भी है, और लड़ना भी इसीलिए चाहिए दुनिया को नेशनल इश्यूज़ का पता लगे, अन्यथा लोकसभा का चुनाव हो और उसको गली मोहल्ले पर ला कर खड़ा किया जाए तो ये अपने आप में लोकतंत्र के साथ धोखा है। हाँ, जब कभी चुनाव विधानसभा के होंगे, जब कभी चुनाव लोकल बॉडीज़ के होंगे, तो उन विषयों को वहाँ रखना ही चाहिए। लेकिन आज देश में, पूरे देश का स्थान दुनिया में क्या बना है, हमारे देश के लोगों में कितना अपने आप में विश्वास जागा है, चाहे वो राम जन्मभूमि का विषय हो, और चाहे धारा 370 का हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे गरीबों के लिए स्कीमें बनाने की बात हो, उसमें आयुष्मान की बात है, उसमें हर घर में जो सुविधाएँ दी गई गरीब परिवारों में, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना के दिया, घर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया, और गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड
जिसकी गारंटी सबकी दी है। और इसी प्रकार से किसानों के लिए, किसानों की भी जैसा MSP है, जैसा किसान सम्मान निधि है, अब किसान सम्मान निधि विषय ऐसा है जो कहीं मांग नहीं आई थी, लेकिन एक संवेदनशीलता के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ करके कि किसान, खास करके छोटा किसान, उसको ये राहत 6000 रुपये के साल की अगर मिलती है तो अपना बीज खरीद सकता है, खेत में कोई खर्चा होता है उसको अपना पूरा कर सकता है, छोटे छोटे खर्चे उसके पूरे करके और बाद में फसल का पूरा जो पैसा है वो अपने घर ले जा सकता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, हमने उसमें स्टेट की ओर से भी बहुत चीज़ों को यानी एड ऑन किया है। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा ये योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80,000 से 3,00,000 तक इसमें एक नॉमिनल 1,500 रुपये साल का लेकर के और वो 5,00,000 का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले नोटिफाई भी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएँ बहुत बनाई हैं। जहाँ तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5,00,000 रुपये का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएँ, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या, अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के शरीर पर वे खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए, राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए, जो वहाँ के लोकल लीडर्स अन्याय करते थे उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट भी होता था, वो ऑडिट वहाँ होने लग गया। 80s को जो रिजर्वेशन वहाँ होता नहीं था, वो 80s को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहाँ जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज़्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था, मोदी जी ने उसको स्वाप किया। मेरा कहना यही है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सकें, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सकें। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1,00,000 रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालें, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत, अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40% अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1,00,000 रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा, 40,00,000 करोड़। और देश का बजट आज कितना है, इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है, टोटल बजट 48,00,000 करोड़ है। अगर 48,00,000 करोड़ में 40,00,000 या 52,00,000 करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा पैसा लाओगे कहाँ से। अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश ने चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से ये लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1,00,000 मिल रहा है। उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा।
उस 72,000 को उन्होंने 1,00,000 किया, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई, 10,00,000, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20,00,000 कर दिया। छोटे छोटे रेड़ी फेड़ी वाले, उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका उत्पाद, वो जो बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीज़ें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। तो इसके लिए हमने हरियाणा में तो घोषणा कर दी है, साझा बाज़ार बनाएंगे, और साझा बाज़ार में महीने भर का उत्पाद वो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए बुक करेंगे तो शहर में सारा उनका बिक सकता है। वैसे सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को बिक्री के नाते, अगर उनकी बिक्री होती है 1,00,000 से 2,00,000 रुपये साल का, ये कमाएँ उनको लखपति बनाना है, लेकिन कमा के बनाना, मुफ्त में दे करके लखपति बनाना, उससे स्वाभिमानी व्यक्ति तो कभी आगे आता ही नहीं। ऐसे ही ड्रोन दीदी, ये जो कंसेप्ट है कि ड्रोन की सिखलाई, स्किलिंग, ये महिलाओं की कराएंगे, कि उस ड्रोन के कारण से, आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण से ड्रोन का उपयोग अब हर जगह हो गया, फंक्शंस में, शादियों में, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं जलसे होते हैं, ट्रैफिक के लोग, पुलिस उसका उपयोग करती है। अब तो इस प्रकार की हर चीज़ की फोटोग्राफी के लिए ड्रोन एक अच्छा मेथड आ गया, कि जिसका सरकार भी जगह जगह उपयोग करती है। तो केवल इतना ही है कि ड्रोन को सफाई करना, और खेतों में मानो दवाई छिड़कनी है, खाद छिड़कना, नैनो यूरिया, वो ड्रोन से छिड़का जाएगा। पहले तो किसान जो है अपने कंधे पर या पीठ पर टैंकी बांध करके उसको चलाता रहता, छिड़कता, अब उनको आवश्यकता नहीं है। ड्रोन उसका एक साइज़ के हिसाब से कैपेसिटी उसमें डालो, लिक्विड डालो, उसको उड़ाओ, और सारे एकड़ में 10 मिनट में छिड़क के आ जाएगा। अब तो ड्रोन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि अगर 20 मंजिला मकान पर किसी व्यक्ति को सामान मंगवाना है, बजाय वो आदमी को नीचे भेज करके और दुकानदार को किराने की दुकान या सब्जी की दुकान भेजेगा, केवल वो मैसेज देगा और दुकानदार अपने ड्रोन से उस सब्जी को डालेगा और 20 मंजिल पर देकर वापस आ जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी का आधार बनेगा, नए नए अवसर ऐसे रोजगार के बनेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये योजनाएँ भरपूर, चाहे वो स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, ये सारी योजनाएँ बनाई हैं। उसमें से अप्रेंटिसशिप, हमारा हरियाणा में देश भर के अंदर अप्रेंटिसशिप का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट का ऑफिस 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप रख सकता है, बिना किसी एग्ज़ाम के, केवल एग्ज़ाम दे के आओ अपना, और अप्रेंटिसशिप में 6 महीने का उनका अप्रेंटिसशिप रखो, जाओ। तो इस प्रकार के सारी चीज़, अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, थमाएंगे, अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव, ये आएगा, उसके बाद नागरिक बनते हैं, तो वो नागरिकता इस देश के, यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था, अब क्योंकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता है हमको, इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता, हर युवा, हर वहाँ की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है, उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं। जिन्हें आर्मी में रहना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकी वो सिविल लाइफ। तो यहाँ भी 25% आर्मी में ही रहेंगे, 75% को आकर के सिविल लाइफ में, और फिर उसमें ट्रेनिंग, पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जो काम ट्रेड उनको वहाँ आर्मी में दिया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ सिविल में आकर के अपना काम करेंगे। आर्मी में तो जितने जाने उतने जाने ही हैं, अगर मानो आर्मी में साल के 10,000 लोग जाने हैं, अब 10,000 आर्मी में रखने के लिए 40,000 भर्ती करेंगे, 10,000 आर्मी तो एज इट इज जैसे जाएंगे वैसे रहेंगे, 30,000 वापस आके सिविल लाइफ में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे इसके बारे में अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी स्कीम बनाई है उन्होंने, आपको जानकारी है कि नहीं है, शायद याद आ ही जाएगा, मैंने 15 जून 2022 की घोषणा की थी, हरियाणा का अग्निवीर का जो बालक है, जो नौजवान 4 साल के बाद आएगा,
उसको गारंटेड जॉब दिया जाएगा। ये गारंटेड जॉब की बात मैंने कही उस समय, मैंने आंकड़े भी लिए। अभी तक हरियाणा के 2000 नौजवान ही आर्मी में जा रहे हैं हर साल, 10000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है, 2000 में से मानो 500 तो वहाँ रह ही जाएंगे, 1500 आएंगे ना। अब 1500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। बी का तो गारंटेड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद और साथ में उनको वहाँ से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा, उस पैसों को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे, ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा ऐसे ही करते हैं। तो बड़ी संख्या कोई 1500 हरियाणा के लिए ऐसा नहीं है, 1500 लोग आज भी हम ग्रुप डी में कुछ भी नहीं होगा तो हर साल 7-8 हज़ार लोग लेते हैं, तो 1500 अगर वो आते हैं तो बाकी तो खुला ही है रास्ता, उसमें से सी में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, ए में भी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहेगा सरकारी नौकरी में, उसके लिए गारंटेड जॉब है। हाँ, आने की इच्छा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। इस प्रकार से जो इनके जो झूठ बोलने वाले विषय हैं, इसको जरूर हमने निकाला भी है, उठाया भी है। चुनाव के संबंध में जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके, लेकिन कुछ स्थानों पर, खास करके मैं नाम लेके कहूँगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है, और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी चूँकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उनको मौका मिलता है, तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे, इस प्रकार से ना हो। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहा है, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया, उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूँकि सारा कुछ एम्प्लाइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है एम्प्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नज़र रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिर कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेवारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 ने ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। नहीं नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े उसको आकर्षित करने के लिए, और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों के रुक गए, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज़ आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लाइन आउट की स्थिति को मेंटेन करना है, या इस प्रकार का कोई आपत्ति स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है,
लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, कोई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे चार लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम मुझे आप लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। मुझे एक जगह पर शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहाँ कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो, ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता, ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तो लालच की गई। उन्होंने लिखा है आचार संहिता चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो तो आप जान ही सकते हैं। राजनीतिक एफिलिएशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो फिर एक बार एक दो विषय और हैं, तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने इसमें कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एक बात जो मुझे ध्यान में आई है कि जातिगत राजनीति इस प्रदेश में बहुत और प्रदेशों में भी बहुत पहले थी, लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। इस बार हमको काफ़ी कम देखने को मिली है कि जातिगत जो एकदम वर्टिकल डिवीजन था वो इस बार उतना ज़्यादा, खास करके यंग कैडर में वो नहीं हुआ है। यंग कैडर ने इस बार जो अपने मन से जिसको वोट देना था दिया है, वरना तो बुजुर्ग और यंग सब एकमुश्त होकर के एक साइड में जगह जाना होता जाते रहे। अब उसमें मैंने तो खुले मंचों से कहा कि 3C का हम सवाल करेंगे, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमने 2014 में ही हरियाणा एक, हरियाणा में एक ये कह के शुरू की थी। करप्शन और क्राइम के खिलाफ तो हम पहले से काम कर ही रहे हैं, उसका असर इस बार हमको देखने को मिला। मित्रों, मोटे रूप से तो ये सब विषय थे। कुछ किसानों के बारे में, जो किसानों का मुखौटा उड़ करके कुछ जगह पर हमको मिले, उसका भी मैं पहले कह चुका हूँ, फिर आ जाता हूँ कि किसान विरोध नहीं है ये, किसानों का कुछ लोग मुखौटा उड़ करके जिनका एक वैचारिक दृष्टि से ही वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करने की फिराक में रहते हैं, और खास करके वामपंथी विचार के लोग हरियाणा में बहुत कम है, फिर भी कहीं कहीं ऐसा दिखा है, चाहे वो करनाल में एक दो गाँव में दिखा मुझे, सिरसा में कुछ गाँव में दिखा है, लेकिन बाकी जगह ना ये रोहतक में देखा हमको, ना सोनीपत में देखा, ना कहीं हाँ अम्बाला में एक दो जगह देखा है। तो खास करके जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इस बेल्ट में कुछ सिखों का लबादा पहन करके, कुछ किसानों का मुखौटा डाल करके, मैंने खुले रूप से बताया कोई किसान हमारे सारे सिस्टम से नाराज नहीं है। किसान आज जितना हमारी पॉलिसी से सहमत है, कांग्रेसी पॉलिसी कभी हुआ ही नहीं है। बिजली पानी की बात कहीं कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी थी, आज भी है, तो ये जो 7 दिन का या 10 दिन का, क्या इसको नाम दे रहे हो, नौतपा, तो ये संयोग से 25 मई को ही शुरू हुआ, तो ये मई का आखिरी सप्ताह पानी के लिए, बिजली के लिए ये संकट रहता है। बहुत हमने डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा इतनी तो सुविधा लोगों को मिले, हम कह ही सकते हैं, उन्होंने कहा कि इस सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी ओर से सब कोशिश की है, फिर भी ये गर्मी केवल हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है, देशव्यापी इस समय गर्मी का इस समय चल रहा, कल तो 49.5 डिग्री मैंने सुना है। हाँ,
तो 49-50 डिग्री कहीं टेम्परेचर मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं सुना, 47-48 तक सुनते थे। अफ्रीकन देशों में तो 51-52 भी जाता है। इसलिए इस विषय पर भी कुछ लोगों ने राजनीति करनी शुरू की। दिल्ली के लोगों ने कहा हमारा पानी बंद कर दिया। पहली बात तो यह है कि कोई पानी बंद नहीं हुआ। जितना शेयर उनका है, शेयर में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश दिया हुआ 750-719 कुछ क्यूसिक उनका शेयर है और 1050 क्यूसिक हम उनको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कंडीशन है कि दो रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद दोनों रिजर्वायर भर के रखने हैं। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, उसको भरने के लिए जो पानी जाता है उसको पहले से नरेला के आसपास काट करके और दूसरी साइडों में निकालते हैं ताकि वो भर ना सके। तो ये हमने उनको बता दिया कि हमारा टोटल दोनों को भरने के लिए इतने क्यूसिक पानी है, उसको हम लगातार देते हैं, आज भी देते हैं, और उससे ज़्यादा अगर पानी मानो बरसात के दौरान होता है तो उनकी डिमांड पर हम देते भी हैं। अगर बरसात में तो बजाय वो लेते भी नहीं है, बरसात के दौरान लेते भी नहीं है, हम तो चाहते ले जाएँ तो वो पानी जितना फिर होता जमुना में जाता ही है। लेकिन ये पानी की राजनीति दिल्ली की ओर से शोभा नहीं देती, तो इस नाते से इसको भी मैं कंडम करता हूँ। एक विषय सरपंचों का भी आया हमारे सामने। सरपंचों की कार्यप्रणाली में, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में हमने कुछ परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन करने के बाद बहुत सरपंचों ने उसका समर्थन भी किया, कुछ सरपंचों ने विरोध भी किया। लेकिन विरोध था ई टेंडरिंग का या कैश लिमिट का। हमने कहा कि ये दो चीज़ें छोड़कर के और कोई भी कठिनाइयाँ हैं उन सबको हल करने के लिए तैयार हैं। पहले तो बाकी चीज़ों पर आते नहीं थे, लेकिन इस चुनाव के समय में जगह जगह मीटिंग हुई है। उनका ठीक है, दो विषयों को छोड़ करके बाकी कठिनाइयाँ, बाकी सब कठिनाइयाँ हमने ले ली हैं उनकी, और उनको बहुत जल्दी आचार संहिता के समाप्त होते ही जो टेक्निकल चीज़ें हैं कहीं छोटी मोटी टेंडरिंग के सिस्टम में या कोई रेट्स में, पेमेंट में, ई वी भरने में, एम वी भरने में, तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको सबको ठीक कर दिया जाएगा, ये हमने उनको आश्वासन दे दिया है। मुख्य रूप से ये विषय थे। हाँ, एक 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 जो वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग परसेंटेज ज़रूर वो भी मैं समझता हूँ गंभीर मुख्य कारण है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कुल 4% कम रही है 2019 में, और इसमें अभी 65.1 है सर, और पिछली बार ये 69.something थी। तो 4% की पूरे प्रदेश में वोटिंग कम रही है। विश्लेषक अलग अलग विश्लेषण करते हैं। एक विश्लेषक तो यहाँ तक कह गए कि ये बीजेपी की फेवर में है, क्योंकि अगर कोई रोष होता है तो रोष में जो पार्टी पावर होते हैं उसके खिलाफ वोट ज़्यादा पड़ता है, और ये फेवर में बीजेपी का है। हमको कोई अनुमान नहीं है किसका फेवर है किसका नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कम है तो सबका ही कम है, ज़्यादा तो सबका ही ज़्यादा है। इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि कम है तो किसको नुकसान है, ज़्यादा तो किसको नुकसान है। इसको इशू बहुत बनाया गया है कि कम वोटिंग के कारण से सब अपने अपने आंकलन करने में लगे हैं। मेरा मत यह है कि कम है तो सबके लिए कम है। जैसे मौसम खराब के कारण से एक दो दिन प्रचार में कमी आ जाए तो हमारे अपनी पार्टी के लोग कहते हैं और जी दो दिन खराब हो गए, मगर देखो यही खराब सबके हो गया, चिंता मत करो। इसलिए गर्मी भी है तो सबके लिए बराबर है, कोई तो किसी एक पार्टी के लिए ज़्यादा है दूसरी पार्टी के लिए कम है ऐसा नहीं है। नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों का प्रभाव सबके ऊपर बराबर पड़ता है। अच्छा है जो दोष लगाए उनसे पूछना। हाँ जी, हमने उस समय वर्बली बताया है, नोट किया होगा, लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। आपके तो बूथ के साथ क्या बूथ की बात की जाए, पन्ना चुनाव को कैसे, चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग? ऐसा है कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और ख़ास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहाँ धींगा मस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं
और वहाँ एक्शन मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो वो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, अगर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वो डालने वाला भी दबाता है, एक एक करके जाएंगे, उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी एक हफ्ते में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब क्योंकि एक EVM का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब EVM में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबा सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है, मॉक पोलिंग भी होती है। वही कह रहा ना, सुविधाएँ काफ़ी हुई हैं, फिर भी जितनी चीज़ें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करें। कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, तो देखते हमने बाकी आधार पर अब जनता चुनाव लड़ रही है, देखिए जनता चुनाव लड़ रही है वो तो जनता ही लड़ती है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो, अंतरप्रत्यय व्यवस्थाओं को देख करके ध्यान में आता है। मैं स्वयं लगभग 35 बूथों पर उस दिन गया हूँ, करनाल लोकसभा की सभी 9 के 9 विधानसभाओं में, कहीं 2 पर, कहीं 4 पर, कहीं 3 पर जाना तो वहाँ होता, अभी अपने टेबल हैं उनको जरा मिल लिए, एक बार अंदर बूथ में राउंड लगाए, मैंने वहाँ देखा कि उनके मैक्सिमम जगह पर पुलिस एजेंट भी नहीं थे, पोलिंग एजेंट उन्होंने पेड रखे हुए थे, और पेड पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो कितना दिन रुकेंगे और क्या ध्यान रखेंगे। एक स्थान पर तो ऐसा अनुभव भी आया, एक पोलिंग एजेंट उनका था कांग्रेस का, अब उन्होंने सवेरे ना तो उनको नाश्ते की व्यवस्था की, ना उनको भोजन की व्यवस्था की, वो चाय का व्यवस्था, भोजन, नाश्ता अब सब करते हैं, तो भी देते हैं पोलिंग पार्टी भी, और आप भी सब उसमें करो, पार्टी व्यवस्था करती है उसका। तो वहाँ वो भोजन करने के बाद वो कांग्रेस एजेंट कहता कि महाराजा ने तो ना चाय भेजी ना खाना भेजा, अब BJP वाला का खाना खा के वोट तो BJP को ही देना। देखिए ये जो लोग वहाँ गए हैं आज की डेट में तो वही बता सकते हैं, मैं तो 4 तारीख को शाम को बता पाऊँगा। देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं, बोगस वोटिंग होना अलग बात है, जन समर्थन का बढ़ना अलग विषय है। जैसे मैंने बताया कि इस बार जातिगत जो बैरियर है, जो पहले जितने सुदृढ़ होते इस बार उतने सुदृढ़ नहीं रहे, सब जातियों ने वोट हमको दिया है, उसमें से वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। बोगस वोटिंग नहीं होती तो शायद मार्जिन हमारा और ज़्यादा बढ़ता, तो बोगस वोटिंग का मैं विषय निकाला, लेकिन ये नहीं कि सारा ही कोई बिल्कुल सब चुरा लिया, कुछ बूथों पर शिकायत आई है वो आगे ना आए, इसके लिए हमारी चुनाव मशीनरी को भी देखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। साढ़े 7,000 मेहनत करने में तो कोई कम पिछली बार थोड़ी कम छोड़ी थी, पिछली बार भी कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करना वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं उनको करना ही चाहिए, उनकी मेहनत से नहीं होता वोट मिलता, वोट मिलता जन समर्थन का, तो जनता क्या समझती है इस नाते से, जनता के मन में इस बार जो है वो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी एक बहुत बड़ा विषय चला जाता है, कम से कम 15-20% वोटिंग वोट ऐसा होता है जो पहले नहीं सोचता कहाँ डालना, वो आखिरी दिन उसका एक नियम होता है कि जीतने वाले को जिताओ हारने वाले को हराओ, अगर मानो कोई दूसरा जीतता है तो फिर 15-20% उधर ही टिल्ट करता हूँ। हाँ ये पानी रोक दो, मैंने बताया कि जैसे रोहतक है हमारा मार्जिन कम रहेगा, सिरसा है हमारा मार्जिन कम रहेगा, और बाकी जगह पर कंफर्टेबल मार्जिन है सब जगह, लेकिन इन दो जगह तो BJP गेन किया, तो फिर आपके
देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम नए लोगों को भी लेते हैं और उनको जोड़ते भी हैं, और नए लोग जो आते हैं ऐसा नहीं कि उनका बैकग्राउंड सारे जो आज कांग्रेस में सब खराब होते हैं। विषय होता लीडरशिप का। अगर आज राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस का और कोई लीडर होता तो कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अगर आज राहुल गांधी को जब ये प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की या NDA की 400 सीटों लेकर के भारी माध्यम से भारी बहुमत से सरकार बनती है तो पहला श्रेय तो जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। ये पहले आप देखिए, पहली बात होती है जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उसकी प्राथमिकताएं कोई बदलती नहीं है, वो रनिंग गवर्नमेंट पहले से ही अपना तय होता है। फिर हमारा जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र में सब एकदम स्पष्ट है कि हमने जो लोगों को गरीब लोगों को सुविधा देनी है ज़्यादा देनी है, वहाँ कोई एरिया स्पेसिफिक चीज़ें संकल्प पत्र में नहीं होती हैं। वहाँ पर तो बताया गया कि भी अगर जातियाँ भी हैं तो मोदी ने कहा हमारी 4 जातियाँ हैं, जातियों में एक गरीब है, एक जाति है महिला, एक जाति है युवा, एक जाति है किसान, एक जाति है। हम इन चारों के लिए, और इन चारों में भी जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि हर वर्ग में चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो व्यवसायिक हो उसमें भी 3 ग्रुप होते हैं। एक होता लो इनकम ग्रुप, एक होता मीडियम इनकम ग्रुप, एक होता हाई इनकम ग्रुप। तो योजनाएं हमेशा हर वर्ग के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अंत्योदय की। अंतिम का उदय हो वो हर एक जाति में मिलेगा, वो आपको हर एक वर्ग में मिलेगा, हर एक काम करने वाले मिलेगा। अब किसान है, किसान भी एक छोटा किसान है, मार्जिनल, आधे एकड़ का, एक एकड़ का। एक किसान है 10 एकड़ से भी ऊपर है, 20 एकड़ का है। एक किसान है 4 से 5 एकड़ का है। एक एरिया बिल्कुल सूखा है, बंजर है, मानो भिवानी जिला है, बॉर्डर का हमारा राजस्थान महेंद्रगढ़ जिला है। तो ये बॉर्डर के जिलों में ज़्यादा ज़मीन होने के बाद भी उनके यहाँ इनकम नहीं है। और एक ज़िले ऐसे हैं जहाँ अच्छी फसल भी अच्छी होती है, पानी भी बहुत है, भूमि उपजाऊ है, वहाँ कम ज़मीन भी ज़्यादा वो होता है। तो ऐसे योजनाएँ बनाते समय इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है, और स्टेट के अनुसार भी। जैसे अभी सारे देश में BPL की लिमिट है 1,20,000 आज भी, लेकिन हमारे यहाँ 1,20,000 में हमारी संख्या ही बहुत आती है, कम आती है, कुल मिलाकर के 1/4 भी नहीं है, 25% भी नहीं है, उससे भी कम है। हमने उसको फिर बढ़ा करके 1,80 किया ताकि कुछ और उसमें कवर हो जाए, उससे हमारी संख्या डबल हो गई। तो एरिया वाइज भी होता है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 1:20 में भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि उनको सब फैसिलिटी दे नहीं सकते, गरीबी बहुत है। हरियाणा फिर भी कंपैरेटिवली वी आर वेल ऑफ। आपके पास कितने विधायक रहेंगे पार्टी में? देखिए सरकार बहुमत में है, बता रहा हूँ, पहली बात तो ये नोट करो, सरकार बहुमत में। दूसरा, 41 हमारे विधायक हो जाएंगे 4 जून को, आज 40 है, लेकिन 40 ही रह जाएंगे क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे सोनीपत के, तो 40 ही रह जाएंगे। एक जीतेंगे एक को, लेकिन वो रिजाइन तो 15 दिन में कभी भी कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हो तो जाएंगे 41, लेकिन बाद में 15 दिन में कभी रिजाइन करना होगा तो करेंगे, इसलिए 15 दिन तक तो 41 हैं और 15 दिन के बाद वो 40 हो जाएंगे। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो मैंने आपको बताई कि भी एक हमारे राकेश दौलताबाद चले गए, लेकिन नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल पक्का, मेरी 3 दिन पहले बात हुई, नहीं नहीं 3 दिन पहले बात हुई, उनका मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता आगे भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँ, मैं आज उसके जाने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन पहले कराओ। कुछ ऐसे भी थे इनका कि हमें भाजपा ज्वाइन कराओ तो हम आज ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, केंद्र के साथ बातचीत करनी पड़ती है तब जाके होता है। महनपाल रावत हमारे साथ पक्के हैं, कांडा हमारे साथ पक्के हैं, हो आज तो है ना, अभी तो स्थिति आज की है, अब टिकट तो 4 महीने बाद का विषय आएगा, उस 4 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें देखेंगे। और टिकट हम कोई ऐसा थोड़ी कि देंगे कि नहीं देंगे, कोई फाइनल थोड़ा कि नहीं देंगे, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आज हमारे निर्णय नहीं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे ही 2 आदमी JJP के एकदम पक्के हैं हमारे पास, कौन, जुगराम सियाग और राम निवास, ये बाकायदा नाम लेके बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने हमारे मंचों पर जा करके सारा काम लोकसभा में किया है। तो 41 और 243 और 245 नहीं, कोई कमी नहीं, नहीं नहीं
इसलिए कमी है कि एक ने तो रिजाइन कर दिया 89, एक डेथ हो गई 88, तो 88 में 45 हैं, है ना, इसलिए मेजोरिटी तो हो गई। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड मानस में हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे। नहीं नहीं, कांग्रेस में नहीं है ना, इधर ना उधर। इसलिए सरकार एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार, नहीं नहीं है, अच्छा विषय है, इसलिए जरूरी इसलिए है कि अब इसमें पहली बात तो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। नियम सामान्यतः ये होता है कि कोई भी सदन विश्वास मत ले लेता है तो 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक दूसरा, जिस आधार पर उन्होंने शोर किया है, अगर वो इतने मजबूत होते तो कांग्रेस वाले अपने 30 विधायकों के साइन करा के और नेता प्रतिपक्ष के नाम से पत्र जाना चाहिए गवर्नर को। गवर्नर को पत्र उनका एक ऑफिस का एक इंचार्ज वो भेज रहा है, किसी एमएलए के साइन नहीं है, आखिर गंभीर तो बने ना। और ऐसे ही अगर वो इसे 30 के साइन करा के भेजेंगे, फिर गवर्नर अगले स्टेप लेंगे कि जेजेपी वाले 10 लोग वो भी साइन करके भेजो, कहीं निकट तो पहुंचेंगे, इंडिपेंडेंट की बात तो बाद में आएगी। इसलिए वो कहीं भी निकट नहीं पहुंचते हैं। जब निकट नहीं पहुंचते हैं तो शोषा चलाने के लिए कुछ भी छोड़ दो, तो शोषा छिड़ा उस शोषे को पंचर हो गया, टाइट ऑफिस हो गई, करें जो कुछ करना। ये कांग्रेस के चचेरे भाई बन गए हैं ना, क्योंकि आखिर कांग्रेस ने 1975 में क्या किया था, ये किया था। अब इनको लगता है कि शायद वही रास्ता अपना लें, तो वो रास्ता अपनाएंगे तो ये कहीं कहीं नहीं रहेंगे। मीडिया स्वतंत्र रहना चाहिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मीडिया से अपील करता हूँ कि मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, मीडिया सत्य दिखा रहे, पक्ष की बात पक्ष की करे, विपक्ष की बात विपक्ष की करे, और जो किसी ने कहा है वो करे। अपना मत अपने लेखों के माध्यम से, अपने संपादकीय के माध्यम से, मीडिया को अपनी बात कहने के अधिकार हैं, वो कोई संपादकीय लिखें लेख लिखें, लेकिन किसी और के मुंह में डाली हुई बात को वो ना लिखें, जो कुछ कोई कहता है वो लिखें, और किसी एक तरफ टिल्ट भी ना हो। जो कहा है ठीक है, हमें पता है कि विपक्ष के लोग हमारी आलोचना करेंगे, हम विपक्ष के करेंगे, निर्णय मीडिया ने भी नहीं करना, निर्णय जनता ने करना। कुछ आप पूछ रहे थे, ऐसा कि परिवार पहचान पत्र अपने आप में एक यूनिक और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, किसी प्रदेश में लागू नहीं है, किसी देश में लागू नहीं है। उसमें कुछ जो छोटी मोटी ऐसी शिकायतें हैं, शिकायतों के कई आधार हैं। एक आधार तो है कि कहीं जेन्युइन गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। एक आधार ऐसा है कि किसी तरीके से इनकम कम करा लो, 4 सुविधाएं ज़्यादा ले लो, तो उसमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वेरिफिकेशन में बहुत चीज़ें गलत निकलती हैं। एक आधार ये है कि 5 लोगों का परिवार है, अब चूँकि 5 लोगों के परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा होना है, क्यों ना ऐसा करें इसको 2 बना लें, तो 5 लाख उस परिवार को मिल जाए, 5 उसको मिल जाए। या इनकम का जो पार्ट है वो एक साइड में पूरा कर दो, दूसरी साइड में कम कर लो, अब दोनों परिवार हैं, मानो 2 लाख पर खड़े, पूरा परिवार 2 लाख पर खड़ा है, और 2 परिवार बना के एक को 3 लाख पर ले जाओ, एक को 1.5 लाख पर ले जाओ, तो 1.5 वाले तो कम से कम फायदा मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनली ध्यान में आ रही हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा अभी चुनाव के बाद, हम तो अपील जरूर करेंगे कि जो है वो सत्य है वो बताओ, तो सत्य में मैंने जनवर कोई है, हमने उसको ठीक किया। आज भी कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख चीज़ें जो त्रुटियाँ हैं उसको वेरीफाई करके ठीक किया। अब इस समय आज के डेट में लगभग 47,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको डिसाइड करना बाकी है। देखिए, कोर्ट से अगर बरी हुए तो मुझे तो इसमें कुछ कहना नहीं, और कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है। अगर वो कहीं उनको दोषी ठहराया था तो दोषी ठहराया था, आज बरी किया तो बरी है, आगे क्या प्रक्रिया और होगी, या तो कोर्ट बताएगा या वो बताएंगे या फिर पब्लिक में से कोई आदमी बताएगा। देखिए, वो संस्थाएं जो होती हैं अपने अपने तरीके से सब करती हैं, यानी सारे वोट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में ऐसा नहीं है, वोटर्स पर सामाजिक संस्थाओं का भी प्रभाव होता है। मैं तो कहता हूँ बहुत से की वोटर्स होते हैं, की वोटर्स भी ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में किसी के हाथ में 50 वोट, किसी हाथ में 100 वोट, ये होते हैं। उदाहरण के लिए एक नाई भी जो है ना, काम तो बाल काटने का करता है, लेकिन उसके आदमी भी की वोटर कितने होते हैं, वो अपने ग्राहकों को काम भी करता है अपना,
और साथ में अपनी बात भी कहता रहता है, और बात कहने के बाद वो 10-20 वोटर्स को रोजाना प्रभावित कर सकता है। तो की वोटर होते हैं, सब्जी बेचने वाला भी, मैं तो कह रहा हूँ सब्जी बेचने वाले को भी बहुत जानकारियाँ होती हैं। वो माता जी सब्जी ले जाओ, फिर क्यों पड़ा वोटर, बस ऐसा पूछ के और बात करेगा। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें सब लोगों को सब छूट होती है। इतना ही है इस देश की ताकत, लोकतंत्र की ताकत, कि यहाँ स्वतंत्रता बहुत है और ये कहीं रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप शायद लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से दो तीन विषय हैं, मुद्दे हैं जिनका सबसे ज्यादा लाभ आपकी पार्टी को मिला अगर आप दोबारा पर सीट जीत रहे हैं? और दूसरा विषय यह था कि क्या इस बार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे थे इलेक्शन में? देखिए, विपक्ष ने भले उठाए हो, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको आंकड़ों सहित बता देता हूँ, अगर आप में से कुछ लोग मेरी बात का जवाब दे देंगे तो आपको अपने आप पता लग जा रहे, तो मैं बताऊंगा। एक विषय होता है डीए, डीए की फुल फॉर्म क्या है, डीए नेशनल अलाउंस, और उसका सीधा संबंध महंगाई पर साथ होता है। ये कोई सरकार तय नहीं करती डीए कितना, ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, वो तय करता है कि डीए कितना है, ताकि फिर सरकार जो है एम्प्लॉइज को डीए की किस्त रिलीज करती है। 2006 में, अच्छा ये हर 10 साल के बाद जीरो से शुरू होता है, और 10वें साल उसका परसेंटेज तय होता है कि इस 10 साल में कितनी महंगाई हुई। हर जो 6, 16, 26 इस प्रकार से आता है। 2006 में जो उस समय कांग्रेस का शासन आ चुका था, उस समय 0% जो डीए था, 2016 यानी 31 दिसंबर 2015 कितना डीए था कोई बता सकता है? और नहीं तो गूगल निकाल लो अभी देखो। नहीं नहीं, उसमें 15 तक तो पूरा था ना, वो तो 16 में फिर जीरो हुआ, जुलाई 15 का नहीं, 150 नहीं था, 150 से कम था। अगर इसको एग्जैक्ट पता हो तो बताओ, निकालो निकालो, मैं चाहता हूँ निकालो कि जुलाई 2015 डीए रेट क्या था। क्योंकि आप कहेंगे को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी हम तो तय नहीं करते, प्राइस कमीशन तय करता है। आप भी पक्ष में होगे कि ये तर्क देंगे? हाँ, नहीं नहीं, मैं तर्क यही देता, सरकारी आंकड़ों पर देता, केवल कहने से थोड़ी होता। उस वक्त की सरकार को मतलब आरोप लगा रहा था कि महंगाई नहीं, उसमें महंगाई थी ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2006 से 2016, और मैं बताता हूँ, आप निकालते रहना, 125% लास्ट है ना, 125, हाँ लास्ट जुलाई 2015 में घोषित आंकड़ा है कि हर एम्प्लाई को अपना जो स्केल है उसमें 125% और जोड़ करके सैलरी मिलती रही है महंगाई के कारण से। 2016 में 1 जनवरी फिर जीरो हो गया, और जीरो होने के बाद फिर वो हर साल बढ़ता है। आज 2024, अब इस बार कितना, अभी 24 तक कितना पहुंच गया ये बताओ, हैं 50 हो गया, 8 साल में 50% हुआ। 2 साल का अनुमान लगा लो कितना और हो सकता है, अगर 8 साल में 50 हुआ तो 2% में 6×12% कितना हो जाएगा, 50 10 60, और 2-3% फालतू लगा लो 62 लगाओ, मैं 62-63 इसलिए कह रहा हूँ कि कहाँ 125, कहाँ 62-63, कितना हुआ महंगाई। तो उस समय कितना बढ़ता था, मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ कि उस समय 10-12% बढ़ता था हर साल, इस समय 4-5% बढ़ रहा है, और ये विश्वव्यापी एक फैक्टर है कि 3-4% इन्फ्लेशन सारी दुनिया में, अमेरिका में भी होता, रशिया भी होता, चाइना भी होता, हर देश में, और ये इन्फ्लेशन एक प्रकार से कितना 3-4% ये हमारे प्रोग्रेस में होना ही चाहिए। अगर कहीं 0% इन्फ्लेशन रह गया तो इकॉनमी खराब हो जाएगी। 3-4% बढ़ता है उसी हिसाब से, क्योंकि सैलरी भी बढ़ती है। अगर जीरो, नहीं मैं स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री था, मैं स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री था, एक अभी आधा सवाल हुआ, आधा जवाब हुआ उनका। अगली बात आपने दूसरा कहा महंगाई के साथ रोजगार, बेरोजगारी
इसको खत्म करने में पहली बात तो सारा रोजगार सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में नहीं देती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। हमने पिछले 8.5 साल तो 1,30,000 नौकरियां तो दी हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और शायद 10 से 12 होंगी, हाँ तो 10 से 12 होंगी HPSC में, तो 1,40 कुल हो गई। और यही फिगर कांग्रेस के टाइम पर 86,000 थी, जो हमारी 1,46,000 नौकरियां हमने 9.5 साल में या 9.5-10 साल में दी हैं, हो सकता है इन 4 महीने में कुछ और रिजल्ट बाकी बचे हुए 5-10 हज़ार वो भी हो जाएगा, तो हमारा ये 1,50 तक पहुँच जाएगा, उनका 86,000 था। तो पहली बात तो सरकारी हमारी जिम्मेवारी सरकारी नौकरी की होती है, दूसरा उस समय नौकरियाँ बिकती थी, आज नौकरी का मैं हाथ उठवा के पूछता हूँ भाई किसी का कोई एक पैसा लगाओ तो बताओ कि नहीं लगा जी, एक एक गांव में 20, 30, 50, 40। और ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का, हालांकि नेशनल इशूज़ हैं लेकिन जनता इसको अपने आप उठाती है कि भी सरकार में ईमानदारी जरूर है, ईमानदारी है कि सरकार में बाकी चीज़ों का लाभ हमको हुआ है, घर बैठे डोर डिलीवरी। ये तो आरोप हमारे ऊपर क्या लगाते थे कि सेक्रेटेरिएट में 4th फ्लोर पर भीड़ नहीं दिखती, CM के घर जाओ तो वहाँ भीड़ नहीं दिखती। भीड़ दिखना ये पॉपुलरिटी नहीं होती है, भीड़ दिखना ये लोगों की समस्याओं का द्योतक है, उनके कष्टों का द्योतक है। एक आदमी छोटे से काम कराने के लिए 3 दिन 4 दिन चंडीगढ़ पड़ा रहता, इनकी कोठियों पर पड़ा रहता था, या होटलों में जाता था, या पैसे खर्च करता था, कमीशन एजेंट वो सारे के सारे इनसे टैक्सियाँ करा के ले जाते थे, उसमें तेल डलवाते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, साथ में पीने की भी करते थे, सारी व्यवस्था उनसे कराते थे। वो वही बताते हैं उनको आज बेरोजगारी में जब वो करते हैं तो बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको है, जो इनके जो दलाल है ना कमीशन एजेंट का, वो बेरोजगार हो गए और वही कान में डाल डाल के जी बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। हम कहते हैं रोजगार पकड़ो, रोजगार में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, स्किलिंग में जाओ, कुछ करना सीखो। ये करने का काम नहीं है कि पटाला है कमीशन से चार कुछ पैसा दलाल के अपना क्लर्क के उसमें डाला, कुछ सेक्रेटरी में डाला, कुछ बाबू के हाथ में डाला और उससे कुछ अपने जेब में डाला, हो गया रोजगार। ये रोजगार किसी को निकालने देंगे, इसीलिए बेरोजगारी है। देखिए एक्चुअली पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह उत्तर देंगे। आज संयोग से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रणनीति बनाएंगे। फिर भी सहायक की भूमिका में, सहयोगी की भूमिका में, सलाह देने की भूमिका में रहूँगा, आपकी बात को भी ध्यान रखेंगे। इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि लोकसभा का जो सदस्य है विधायक, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लोकसभा के सदस्य का एरिया बहुत होता है, उसको 150 से 200 दिन दिल्ली रहना पड़ता है, उसके पास मात्र 100-150 दिन ऐसा होता है जो अपने कामों में भी और फील्ड का कामों में मिलता है। विधायक को चंडीगढ़ रहने का काम होता है सेशन में 20 दिन 22 दिन, और बाकी हर सप्ताह मानो 1 दिन 2 दिन वो अपनी मीटिंग्स में जाता है, तो 50 से लेकर 100 दिन वो, तो कुल मिलाकर के ये 150 दिन व्यस्त रहता है और वो 225 दिन व्यस्त रहता है। उसका एरिया 9 गुना है, इसका एरिया सिंपल 1 गुना है, तो विधायक और सांसद में अंतर बहुत होता है। फिर लोग जो हैं